नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मेरी मम्मी मेरे साथ हैं जो रिएक्ट करने वाली हैं कुछ वीडियोस पर। तो मैंने कुछ वीडियोस सिलेक्ट किया है स्पेशली मम्मी को दिखाने के लिए पहली बार। तो जो आज का पहला वीडियो है वो है BTS के वीडियो। सो आप लोगों को बताया मैं BTS का कितना बड़ा फैन हूँ, पीछे देख सकते हैं पोस्टर्स ऑलरेडी है, लेकिन मम्मी को कोई आइडिया नहीं है BTS क्या है, BTS के बारे में कुछ आपको कोई आइडिया है? BTS ग्रुप किसको कहते हैं, कौन है, क्या चीज़ है, क्या आपको कोई इसके बारे में कोई आइडिया है? नहीं। तो मम्मी पहली बार मेरे साथ रिएक्ट करने वाली है BTS के कुछ वीडियोस पर। तो मैंने दो ऐसे वीडियोस चूज करके रखे हैं जो कि मम्मी आज रिएक्ट करने वाली है मेरे साथ। तो जो पहला वीडियो है वो मैंने खुद भी नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी दो टाइप के वीडियोस देखे BTS के। तो एक सॉफ्ट मेलोडिक गाना होगा और एक थोड़ा सा ढिंचक वाला गाना होगा, टिक बैकचिक। सो जो पहला वीडियो है वो है BTS लाइट ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। सो BTS जो एक ग्रुप है वो एक कोरियन पॉप ग्रुप है जहाँ पे 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनमें से 7 मेंबर्स हैं जो खुद का म्यूजिक लिखते हैं, खुद गाते हैं, और जो डांस जो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी वो खुद कोरियोग्राफी करते हैं। सुपर टैलेंटेड है सभी। 20 से 30 के बीच में सबका एज ग्रुप है। सबसे छोटा जो है 21 साल का है और सबसे बड़ा जो बंदा है इसमें वो मेरे एज का है 28। लेकिन इन सबका कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल्स रहा है। कुछ लोगों को अपने घर से निकाल दिया गया है क्योंकि वो लोग अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते थे। उन लोगों को कोरिया में बोलते हैं कि उतना अच्छा दिखने में नहीं है लोग, है ना, बहुत लोगों को तो बहुत स्ट्रगल्स फेस किया है। तो वो लोग जो गाने लिखते हैं ना, हर एक गाने का एक स्टोरी होता है और वो हमारे मेरे जैसे यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए ये गाने लिखते हैं। तो वो अभी BTS जो ये ग्रुप है, बॉय बैंड ग्रुप है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्यों है ऐसा, क्या लिखते हैं, ऐसे क्या गाना है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हियर इज माई रिएक्शन, हम दोनों का रिएक्शन पहली बार BTS लाइट ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। लेट्स वॉच दिस इन 3, 2, 1 एंड
सब बताइए मम्मी, कैसा लगा आपको? पहले आपको पूछेंगे। बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो के बारे में बताइए। जैसे लाइट वगैरह बहुत अच्छी है और सीनरी बहुत बढ़िया है और इनकी आवाजें कैसी थी, मतलब इनके वॉइसेस आपको कैसे लगे? अच्छा गाते हैं ना। तो इन सभी का एक एक चीज में बहुत माहिर है। तो जो लीड सिंगर है, जो मैंने बोला सबसे छोटा है जंपो, वो एक्चुअली मेनली उनका मेन सिंगर है और वो सबसे, इनकी आवाज़ सबसे दमदार है, बहुत अच्छा गाते हैं। एंड अरमान मलिक का आपने नाम सुना होगा, तो उनकी आवाज़ से उनका कंपैरिजन भी होता है, दे हैव सिमिलर वॉइस, बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो सबसे छोटा है एंड उसके बाद वी जो है उसकी आवाज़ सबसे हस्की आवाज़ है, दिखने में बहुत सबसे बड़ी बात आपने देखा, एक चीज़ नोटिस किया आप, दिखने में कैसे लग रहे हो ये पहले बताइए। बस देट सो ब्यूटिफुल राइट। तो जो वी बोल के जो बंदा मैंने दिखाया आपको, वो एक्चुअली वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट हैंडसम है, फर्स्ट मोस्ट हैंडसम मैन का उसको टाइटल मिला है। ऋतिक रोशन सेकंड हुआ था, दो बार ऋतिक रोशन को हरा चुका है, सोचो। ठीक है, दुनिया में इतना फेमस है वो, तो लोग तो इसलिए ये लोग अपने खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। उनका स्किन बहुत सुंदर है, उनका स्किन केयर रूटीन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब यहाँ पे तो मेकअप यू लोग ऑफ कोर्स लगाते हैं, लेकिन इसका बावजूद उनका स्किन अगर आप देखें, दे हैव वंडरफुल स्किन। लेकिन यू लोग लुक से भी ज़्यादा इतने टैलेंटेड हैं अपने गाने। यहाँ पे मैं सबटाइटल्स नहीं दिखा पाया, इस गाने का भी एक अच्छा स्टोरी लाइन है। मैंने सबटाइटल्स, मेरे को भी नहीं पता है, तो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वीडियो पे क्या हो रहा है, लेकिन हर एक वीडियो में एक स्टोरी लाइन होता है जो ये लोग दर्शाते हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पूरा वीडियो किया गया था, प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल का होता है, तो इट्स जस्ट फैबुलस, आई लव्ड इट। तीन जन जो है रैप करते हैं, तीन जन मेन डांसर्स हैं जो कि बेसिकली जो भी कोरियोग्राफी आप डांस देखोगे इसके बाद दिखाऊंगा मैं, तो सब ये लोग कोरियोग्राफ करते हैं और खुद का गाना ये खुद लिखते भी हैं। ठीक है, तो दे आर सुपर टैलेंटेड। तो ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा राइट? ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो है वो है BTS बटर, जो नया गाना निकला है। तो इन लोगों का एक डिफरेंट साइड आपको देखने का मिलेगा। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं अपने बालों के कलर के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ। तो जो इतना शांत आपको जो अवतार नजर आया इसमें पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स डू दिस इन 3, 2, 1 एंड गो। Haters, first boy, pull up on the lay low. On the place, get moving with the bass.
आर्मी लिखा कैसा लगा? तो आपको कौन सा दोनों गाने जो आपने देखे उसमें कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये या पिछला वाला? ये वाला राइट। क्यों अच्छा लगा बताओ, कुछ कुछ तो बताओ, क्या अच्छा लगा? बहुत मस्ती अच्छा लगा, फन था गाना। और क्या क्या सब भी बहुत अलग टाइप का एकदम से चेंज करते हैं। एंड इसमें डांस भी बहुत ज्यादा था, अपबीट था। तो मम्मी को मुझे समझ में आया मम्मी को कैसा गाना पसंद है, जो कि थोड़ा सा हिप होगा, डांस वाले होंगे। तो रोमांटिक गाने पसंद है, लेकिन ये वाले गाने भी, सभी गाने मम्मी सुनती है, लेकिन ऐसे गाना भी उनको अच्छा लगता है। यू नो शी वॉज इंस्टेंटली स्माइलिंग जैसे ये गाना शुरू, आप लोगों ने देखा होगा। और सबसे पहली चीज जो मम्मी के मुँह से निकला कि खूब सुंदर देखते की बालो देखते, मतलब कितने यू नो दे लुक सो गुड यू नो। तो या मतलब दे आर सो टैलेंटेड, लाइक आई एवरी टाइम आई वॉच दिस सॉन्ग ईच एंड एवरी डे। एंड मैं कोरियोग्राफी भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वेट कीजिए इसके लिए। बहुत टफ है लेकिन गो टू डू इट। तो ओवरऑल दोनों ही गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के गाने थे। तो आपने देखा ना इतने टैलेंटेड ये लोग, एक सिंपल सा गाना भी गा सकते हैं लेकिन एक हिप हॉप वाला गाना भी गा सकते हैं, तो इसलिए इतना फेमस है। डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, तो सुपर मल्टी टैलेंटेड। तो अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि BTS कौन है तो बता पाओगे? प्लीज, 7 मेंबर है, अच्छा गाना लिखते हैं खुद का, है ना, बता सकते हो राइट। एंड सो या दैट्स इट। आशा करता हूँ आप लोगों को, आपको पसंद आया मम्मी वीडियो, आप लोगों को हम लोगों का रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए। आप लोग को हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए